गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अ स्टाइल बी। और आज का वीडियो होने वाला है आपके हेयर केयर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आपके हेयर को दिया जाएगा एक शाइन, साथ में इसको दिया जाएगा वॉल्यूम। अभी आपको मेरे बाल कैसे सबसे पहले खाली बाउल में मैं एक एक स्पून आंवला, मीठा, शिकाकाई और भृंगराज का डाल रही हूँ। इसके अलावा आपको इसमें मेहंदी डालनी हो या इसके अलावा आपको बीट रूट डालना हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक एक स्पून ले रही हूँ और ये मेरे बालों के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। मेरे बाल एवरेज से थोड़े से ज़्यादा हैं। आपके बाल अगर लेंथ में कम है, वॉल्यूम में कम है, तो आप हाफ स्पून ही लीजिएगा, क्योंकि इसको हम काफ़ी डाइल्यूट करने वाले हैं। इसको हम थिक पेस्ट नहीं बनाएंगे, अच्छे से इसे डाइल्यूट करेंगे। और ये काफ़ी अच्छे खासी क्वांटिटी में बन जाएगा और जिसका हम यूज़ पूरे बालों में स्कैल्प टू टिप तक कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने बालों को कॉम करूँगी, अच्छे से कॉम कर लूँगी और इसके बाद इसको एक ब्रश से मैं अपने पूरे स्कैल्प से लगाऊँगी और टिप तक मैं इसको अच्छे से लगा के कुछ 40 से 30 मिनट तक मैं इसे रख दूँगी। देखा आपने कितना सिंपल था। जब भी आपको हेयर वॉश करना है तो उससे पहले आप ये ट्राई कर सकते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और हम शायद सदियों से इसको सुनते आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका यूज़ किया से। हमें काफ़ी पता चल जाता है कि ये हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं। आप कम से कम हफ्ते में दो बार इसके यूज़ तो कीजिए। आप रीठा, शिकाकाई, भृंगराज आपके बालों के लिए ही बने हैं, आपके लिए बने हैं, तो इसका यूज़ कीजिए। क्या चाहते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।